जी क्या हाल है सबके सोचती है ज्यादा कम वो समझती है सोचती है ज्यादा कम वो समझते हैं न जाने क्यों लड़कियां नहीं के जाने के नहीं आते। ना 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 ना। चलो जी एक बार जल्दी से लाइक शेयर ठोक दो फटाफट पड़ से लाइक शेयर ठोक दो आ जाओ सब अन करने चलो जो हर जगह बोल दिया गया है कल हमने कौन से क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था अगर आपको याद हो तो हाँ जी मेरे हिसाब से यहां तक हो गया था है ना क्या बोलते पब्लिक यहां तक हो गया था ना आज ऑफलाइन वाले नहीं हैं आज आज मैं अपने दूसरी जगह से क्लास ले रहा हूँ उनके ऑफलाइन में आज उनकी मैथ से क्लास चल रही है ऑफलाइन वाले आज नहीं मुझे आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जरूर लग रहा है अपना क्योंकि रोज़ तुम्हारा टीवी लगा रखा है ना मैंने यहाँ टीवी नहीं है एक सेकंड रुको Hello. लाइक शेयर इनफ क्या दिक्कत है लैप्स रेट इज रिलेटेड टू मैंने बताया था विद हाइट आपका जो टेम्परेचर है विद हाइट इट शुड डिक्रीज इस प्रोसेस को बोलते हैं लैप्स रेट कहां पे वन डिग्री फेराइट फॉर थ्री थर्टी फीट ये मैंने आपको दूसरे टर्म से बताया था मैंने आपको बताया था कि एट डिग्री सेल्सियस कम होता है मीटर्स में तो उसको चेंज करके अल्टीमेटली ये वैल्यू है ठीक है ट्रेड विंड्स आर विंड बाय ट्रेड विंड बाय ट्रेड फटाफट बता फटाफट फटाफट बिल्कुल सही बात है इनफ्लो मूवमेंट ऑफ एयर अलोंग द अर्थ सरफेस टुवर्ड्स द इक्वेटर सही एकदम मामला है इसकी तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है बढ़िया जी नेक्स्ट चलो ये आ जाओ टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल बिकॉज टेम्परेचर पोल की तरफ डिक्रीज होता है क्यों अब 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 ऑप्शन को पढ़ो फटाफट 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 भाई जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं स्लंटिंग हाइट जाती है जितनी एफिशिएंटली जानी चाहिए सनलाइट उतनी एफिशिएंसी जाती नहीं है ठीक है चलो बहुत बढ़िया आंसर इज डी नेक्स्ट करो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग प्रेशर की आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है प्रेशर बेल्ट की जो आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी। फटाफट जल्दी पढ़ो इजी क्वेश्चन बच्चे का मैच क्या बात है सबसे पहले करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर सबसे पहले नीचे इक्वेटर यानी सबसे पहले दो होगा तो ये दो ऑप्शन खत्म हो गए इक्वेटर बाद सब ट्रॉपिकल जोन उसके बाद सब पोलर उसके बाद ये है ना तो दो चार एक सही है सी आंसर इज द राइट आंसर वेरी गुड वेरी गुड बच्चे अरेंज द फॉलोइंग गेसिस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय वॉल्यूम फटाफट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है यानी सबसे ज्यादा कौन सी होगी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होगी तो सबसे एंड में आएगी वो तो पहले दो हो तो ऑप्शन अब फर्स्ट के बाद सेकंड आएगी आएगी थर्ड और फोर्थ में सारा खेल ठीक है कार्बन है? तो डाइऑक्साइड कम होती है सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट लार्ज हीटेड एंड कूल्ड मच फास्टर देन वाटर बॉडीज बिफोर मतलब इसमें इस इस रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है hey, मेरा रिमोट व कहाँ गया सोचती है ज्यादा कम वो समझती है जी भाई सिर्फ सरफेस लेयर ऑफ वाटर हीट नहीं होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है पूरा का पूरा वो हीट होता है दिस स्टेटमेंट इज रोंग बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है लैंड कंडक्शन से हीट होता है वाटर की स्पेसिफिक ही, uh, हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है लैंड की कम होती है यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई वन डिग्री ठीक है वाटर गेट हीटेड बाई कन्वेक्शन बिल्कुल ठीक बात है उधर कैसे पहुंच गया अभी अच्छा इधर ऐसा चलो जी वाटर कंटेंट इन द फटाफट बता दो जल्दी से जैसे जब ज्यादा टेम्परेचर होगा ज्यादा इवेपोरेशन होगा ज्यादा वाटर कंटेंट होगा जब कम टेम्परेचर होगा तो जी ऑब्वियसली कम हो जाएगा डिक्रीजेस एज वाटर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर अच्छा मतलब बात कर रही है नीचे की अच्छा इवेपोरेट हो जाए कुछ नहीं कुछ नहीं इसका एटमॉस्फेयर से बात कर रहा है इमीडिएटली हमारे आसपास इमीडिएटली हमारे आसपास तो इवेपोरेट हो जाएगा ना इवेपोरेट हो जाएगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रेसिपिटेशन टू ऑकर प्रेसिपिटेशन के लिए दानसरिस एयर मस्ट बी वोम ये ये जरूरी नहीं है

वेरी स्ट्रोंग एंड कोल्ड आईसी विंड ब्लो इन द पोलर रीजन को क्या बोलते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या नाम है कोल्ड विंड्स जो होती है फ्लो उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं बच्चे ब्लीजर्स क्या हम उनको बोलते हैं बच्चे दैट इज ब्लीजर्स ड्यू पॉइंट कौन सा होता है जिसके बाद वोटर वेपर ड्रोपलेट बन जाता है बच्चे हाँ जी बहुत बेहतरीन वेरी गुड थोड़ा होले होले आराम आराम से चले जहां पे ट्रोपोस्फेयर एंड सेटोस्फेयर मिलते हैं क्या क्या बोलते हैं उस पॉइंट को देखो ट्रोपोस्फेयर एंड हुआ सैटोस्फेयर स्टार्ट हो गया मैंने बोलता ट्रोपोस्फेयर पोज हो गया तो इट इज नोन एज ट्रोपो पोज इट इज नोन एज ट्रोपो पोज प्रेसिपिटेशन का मतलब उत्तरी सूरज बारिश बच्चे ठीक है वेलोसिटी ऑफ विंड इज रिलेटेड टू पढ़ो पढ़ो फटाफट फटाफट तेज हो गया क्या स्लोबा करें स्लोबा। ज्योग्राफी का बैच ज्ञान देवता ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ा चुका भाई तभी तो एमसीक्यू पे आए हम लाइक शेर दबा दो महाकाल के आशीर्वाद से सोचते हैं ज्यादा कमे वो समझते हैं चलो चलो फटाफट फटाफट थर्टी थ्री प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर डिफरेंस उसी तरफ बहेगी आपको पता है ना हाई प्रेशर लो प्रेशर प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए तभी हवा बहती है ठीक है नेक्स्ट करो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफेयर कोजेस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था ग्रीन हाउस गैस है टेम्परेचर बढ़ता है बिकॉज वो हीट ट्रैपिंग गैस है तो राइज इन अर्थ टेम्परेचर बच्चों राइज इन अर्थ टेम्परेचर ये अजय कह रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी अजय दिस इज अ मैग्नेटिक पेन अच्छे मैग्नेटिक पेन एंड आपकी जो बॉडी है इट डू कंटेन्स आयरन इन द साउदर्न हेमिस्फेयर द वेस्टर्लीज ब्लो फ्रोम साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करा याद रखना आप सोचती है ज्यादा ऐसे आती है नॉर्दर्न एमस्फेर में ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं तो दिस इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ठीक है इज द फॉलिंग सीक्वेंस ऑफ एटमोस्फेयर लेयर इज करेक्ट फ्रॉम बिलो नीचे से ऊपर बतानी है आपको हाँ जी नीचे से ऊपर बतानी है सबसे पहला जो हम हम जिस लेयर में रहते हैं दैट इज ट्रोपोस्फेयर तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर पहले दो ऑप्शन खत्म हो गए उसके बाद ट्रोपो अच्छा ये भी खत्म हो गया लोग खत्म हो गया बात ट्रोपोपोज तो बाद में आएगा ना हाँ जी ट्रोपोपोज तो बाद में आएगा ना भाई साहब गोरखपुर की धरती से प्रणाम ओहो हमारे ससुराल से प्रणाम आया है प्रणाम बाबू प्रणाम लेलाई करती है मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फेर में वैधरिक डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होते हैं उससे ऊपर वाले लेयर में शांति होती है तो मामला एकदम ओपी लेवल का होता है क्या हो गया ये स्विच ऑफ हो गया क्या लगा देते हैं चार्ज में इसको भी चल hmm. चल गया गया चल गया हाँ जी स्पाइरल टुवर्ड्स लो प्रेशर रीजन स्पायरल होता है और लो प्रेशर रीजन की तरफ आ रहा होता है तो इट इज स्पाइरल टुवर्ड्स लो प्रेशर रीजन अमाउंट ऑफ एलबीडो इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट एलबीडो एटमॉस्फेयर का पूछ रहा है बस ये It is only about पूरी अर्थ का नहीं पूछ रहा इट इजी सेवन परसेंट पूरी अर्थ को मैंने बताया था 47 जो बताया था ये एटमोस्फेर का पूछा देंट ऑफमोफियर इज ग्रेटेस्ट चेंज इन द्लाइमेट एंड वेदर क्लाइमेट वेदर में से इनमें सबसे ज्यादा चेंजेस फोन रिस्पॉन्सिबल है वॉटर वेपर वॉटर पेपर बच्चे वाटर वेपर होगा तभी तो सब सिस्टम होता है ना बहुत बढ़िया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटीसाइक्लोन के बारे में बताओ एंटीसाइक्लोन के बारे में बताओ जी भाई क्या एंटी साइक्लोन में हैवी रेनफॉल आता है द पॉइंट इज साइक्लोन में आता है एंटी साइक्लोन में नहीं आता तो थर्ड नहीं होगा तो पहली बात तो ये हटा दो फर्स्ट तो होगा ही होगा सेकंड को पढ़ लो द एयर मूव्स क्लोकवाइज बिल्कुल सही बात है बिकॉज साइक्लोन में एंटी क्लोकवाइज घूमती है तो सेकंड होगा ही होगा तो फर्स्ट और सेकंड आएगा ये हट गया

में वो समझते हैं सोचते हैं ज्यादा एस yes, मैथमेटिक्स भाई साहब मत पढ़ो भाई किसने मना करा है किसने हवा हाँ जबरदस्ती रोका है खाओ पियो मौज मारो वाम ओशंस पे ऑब्वियस सी बात है चलो इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मे मेजरिंग रिलेटिव रेले ह्यूमिडिटी इन एयर इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मेजर करा जाता है By? हाँ आज ऑफलाइन वालों के एक्चुअली मैथ्स की क्लास चल रही है बच्चे इसलिए वो भी इसको ऑनलाइन ही देखेंगे बाद में ठीक है हाँ जी हाइग्रोग्राफ इट इज मेजर्ड बाय बच्चे हाइग्रोग्राफ ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात बता रहा हूँ ये ये ह्यूमिडिटी ये क्यों मैं बार बार ह्यूमिडिटी के इतने क्वेश्चन क्यों डाल दिए बिकॉज में अलग से है वर्ड इसलिए डाल दिए बच्चे जो बच्चा बार बार कह रहा है कि दोबारा पढ़ा दोबारा पढ़ा दो मेरी जान प्लेलिस्ट में जाओ ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट लिस्ट पढ़ी उसमें सब कुछ पढ़ाया हुआ है जाके देख लो एक बार और कुछ चीजें यहां से मिल जाएंगी आपको अभी अभी मैंने बताया ये बहुत बेहतरीन हाँ सही कह रहा है आदित्य चौधरी <laughs> अच्छा दासो सर को दासो सर को बुला दे एक दिन चैनल पे तुम बोलो तो तु? तुम बोलो तो एक दिन दासो सर को बुला दे चैनल पे हमारे भाई सुमित के कॉन्ट्रैक्ट बते रहे हैं मत बुलाओ ओए बच्चे कह रहे मत बुलाओ हाँ जी साइक्लोनिक स्टोन रिलेटिव ह्यूमिडिटी डायरेक्टली बाय ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी कर दिया आज तक मैंने एटमोस्फेरिक हाँ जी एटमोफेरिक्परेचर में चेंज होगा ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स व्हेन विंड राइज अप अलोंग अ हिल और माउंटेन बैरियर इज कॉल्ड ये मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं आपको है आपको यहीं से पढ़ना है ये चीजें या तो मैं इन टॉपिक को अलग से पढ़ा दूंगा मैं मैं सोच रहा हूँ इन टॉपिक्स को अलग से पढ़ा देता हूँ मैं टाइप ऑफ रेनफॉल एंड ओली है ना अभी तो क्वेश्चन कर लो इनकी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा मैं करंट अफेयर आपसे ही पढ़ रहे हैं क्या आ सकता है भाई साहब आमिल जो भी मुझे नाम ढंग से नहीं दिख रहा है चाचा जी हमसे करंट अफेयर पढ़ोगे आएगा नहीं आएगा इस बार की गारंटी कोई नहीं देता पिछले दो बार से लगातार आ रहा है तो उम्मीद करी जा रही है कि इस बार भी आएगा हाँ जी दिस ओरोग्राफिक चलो द फॉर्म ऑफ रेसिपिटेशन विच रेनड्रॉप गेट फ्रोजन इन टू आइस बोलते हैं बच्चे इसको बोलते हैं स्लीट मैंने ये ये एक टॉपिक इकट्ठा है जिसमें रेनफॉल है और ये सब है कि स्मोक क्या होता है ये सब क्या होता है इसकी एक अलग से वीडियो में सोचना बनाई दूँ मैं प्रेसिपिटेशन बेसिकली प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस व्हेन एक बात तो समझ में आ रही है इन दोनों ऑप्शन में से एक होना चाहिए तभी ऐसा दे रखा है इन दोनों ऑप्शन में से एक होना चाहिए पढ़ो ध्यान से अब खुद दिमाग लगा लो मैं अपोजिट एक दूसरे के दे रखे हैं तो एक तो होगा जाता एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली वो ड्रोप्लेट में कन्वर्ट हो जाता है स्लो पढ़ाऊं क्या ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा यार इस तो ड्यू पॉइंट क्या होता है किसी ने मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा था अभी मेरे हिसाब से वो पॉइंट जहां पे एयर सेचुरेटेड हो जाती है उसको बोलते हैं बच्चे ड्यू पॉइंट जहां पे एयर जो है दैट बिकम सेचुरेटेड ठीक है अपलोड कर देंगे टेंशन ना ही लो आप इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे बिल्कुल भी परेशान मत हो ड्यू पॉइंट उसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट केदारनाथ में भी देखी होगी बादल फटाता एकदम से बहुत जबरदस्त लेवल की बारिश विथ थंडर यस वेरी गुड मेरी जान वेरी गुड आगे चलो वॉटर वेपर बियॉन्ड ड्यू पॉइंट रिजल्ट्स इन एयर सेचुरेटेड होने के बाद क्या होती है अल्टीमेटली बारिश हो जाती है कंडेंसेशन होगा और बारिश हो जाएगी कंडेंसेशन होगा और बारिश हो जाएगी थैंक यू इंडिया एक्सपेरेंट क्वेश्चन करो बस फिलहाल विच टाइप ऑफ रेनफॉल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ विंडवर्ड एंड द लीवर्ड साइड खुद ही सोचो मैंने अभी 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 आपसे क्वेश्चन करा जिसमें बोला था कि वो वाली कौन सी रेनफॉल है जो पहाड़ पे ऊपर जाके होती है वाली कौन सी रेनफॉल है जो पहाड़ पे ऊपर जाके होती है और तो बताया था ओरोग्राफिक उसी में बिंडवर्ड और लीवर्ड बनता है यहाँ पे यहाँ पे देखो यहाँ से हवा आ रही है सपोज़ हवा आके यहाँ पे इकट्ठा होगी कंडेंसेशन हो, हो जाएगा बारिश हो जाएगी ठीक है बारिश सारी पहाड़ के इस तरफ हो जाएगी ये वाला एरिया हो जाता है लीवर्ड साइड या फिर शेडो जोन एरिया तो कौन सी रेनफॉल होगी उसकी बात है ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी भाई पर बात नहीं पैनी गिरा था भाई ये बता दो कौन सी रेनफॉल है जिसमें लाइटिंग और थंडर होती है नॉर्मली फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा उसमें होती है भाई बता ना, ये रेनफॉल का टॉपिक थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा आपको एक बार ना थोड़ा सा इसलिए आपको कंफ्यूजन लग रही होगी कि एक बार ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है इसको मैं एक बार अलग से वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर डाल देता हूं ठीक है सर थोड़ा जोश दिखाओ सिद्धार्थ सिंह गोलियां खा लू बताओ फटाफट ये आपके सिलेबस में आएगा नहीं जब दो एयर मास मिलते हैं तो भाई एक साइक्लोन होता है, है जो टेम्परेट साइक्लोन जो साइक्लोन हमने पढ़ा है दैट इज एक्चुअली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हमने पढ़े हैं उनको बोलते हैं बच्चे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड दीज आर टेम्परेट साइक्लोन बस ये इतना इससे ज्यादा टेम्परेट साइक्लोन के बारे में जान वो बोला नहीं है मैंने इससे साउदर्न हेमिस्फेयर में विंड जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है क्यों हो जाती है डिफ्लेक्ट क्यों हो जाते डिफ्लेक्ट बताया था मैंने रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से फोर्स लगती है जो डिफ्लेक्ट कर डिफ्लेक्ट करना होता है बताओ स्मोक कब होता है धुआं मान लो उस टाइप का सब होता है जी नियर द इंडस्ट्रियल एरिया रोहित स्वामी इतना कुछ है नहीं चार पांच टॉपिक बस बहुत इकट्ठे से जो आएंगे कुछ क्वेश्चन तो आपके काम के हैं ये देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे पढ़ो ध्यान से ऐसे ही क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट ओजोन लेयर मेजोस्फेयर में होता है नहीं होता तीन नहीं होगा तो ये खत्म ये खत्म एक दो को पढ़ना नहीं चौथे पे आऊँगा आइनोस्फेयर लाइट बिटवीन स्टेटो नहीं स्टेटो और मीजो के ऊपर होता है मीजो एक्सो के बीच में तो ये भी गलत हो गया Experience. और बताओ और आपको क्या चाहिए दिस इज तो इजी एनडे का आया हुआ प्रश्न है एनडे का आया प्रश्न भाई दिस इज अगेन इजी जी इसका मैंने डाला ऐसे इसी है ये ठीक है ये ठीक है ये ऐसे है ये ऐसे ठीक है भाई वेरी गुड फोइन के बारे में टाइप ऑफ विंड्स में पढ़ाया था मैंने फोइन देखो जी मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं याद होगा बट अब याद कर लो इट इज वो नॉर्थ नॉर्दर्न एल्ब्स में मिलती है ये विंटरम फ्लो करती है बच्चे कम हो रहे क्या बात है क्लास खत्म कर दू आज साढ़े पांच बजे मैथ्स में प्रेग्नोमेट्री करने वाले हम वहां आग लगनी चाहिए बाबू जी मैं बोल रहा हूं वहां आग लगनी चाहिए आज ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर एक बार में सिलसिला खत्म कर देंगे का आज थारा भाई समित आज आग लगाने के लिए उतरेगा अपने सर मोहित सर के साथ बता रहा हूं आज आ गए ट्रांसफर ऑफ सरप्लस हीट फ्रॉम लोअर एल्टीट्यूड तो टू हायर एल्टीट्यूड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक आहा वो क्लास तो है ही एक सेकंड रुक जाऊ बताता रहा हूँ मैं आज आग लगाने तरेंगे आज देखना बस इंग्लिश की क्लास भी कर लेते हैं आज भाई तुम्हारे लिए मैं तो सब कुछ लगा रहा हूं उत्कर्ष मिश्रा कस लो भाई आज जी चार बजे वाली क्लास भी होगी इधर प्लस वालों की भी होगी और यूट्यूब वालों की भी होगी सबकी होगी यूट्यूब वालों की इंग्लिश सर पढ़ाएंगे एंड प्लस वालों को तो मेरी क्लास है ठीक है डिस्क्रिप्शन में मैंने मैथ्स वाली क्लास का लिंक डाल दिया है ट्रिग्नोमेट्री का काम तमाम आज ही कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री का काम तमाम जो है वो आज ही कर देंगे ठीक है भाई चलो जी 65. क्या जी क्या और वेव, ये 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 तो बहुत चुटी -चुटी वो होती है करेगी नहीं, तो, ये करेंगी, ये नहीं करेंगी. ओशन ये दूर तक करती है, एक से दूसरे जाती है, ये करेगी फर्स्ट एंड सेकंड हाँ जी रोक्स पढ़ा दिए यूट्यूब पे मैं क्या बोल रहा हूं मैं आज साढ़े पांच बजे मैथ्स की क्लास में धमाका होना चाहिए धमाका बता दिए इतना बच्चा लाइव होना चाहिए ना कदा किसी ने सोची ना होगी मैं कह रहा हूं किसी ने सोची ना होगी थारा भाई सुमित और मैं जब किसी के बारे में इतना बोल रहा हूं ना मैंने साढ़े तीन साल से ज्यादा हो चुके हैं मैंने बहुत सारे एनडीए में आके यहाँ पे मिथ्स तोड़े हैं मेरे आने से पहले तो बड़े बड़े लोग ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन हर लोग पता नहीं क्या क्या गलत बातें समझाते थे बच्चों को जैसे कि ए, हर सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना होता है फिर उसके बाद ये आएगी कि कम से कम इंग्लिश में तो अलग से पास होना ही होता है फिर आई साइट में बोला बच्चों को कि भाई आई साइट में सिक्स बाई सिक्स चाहिए एयरफोर्स के लिए सिक्स बाई सिक्स चाहिए नेवी के लिए और भी पता नहीं कितनी सारी बातें मैंने कितने ज़्यादा मिसकनसेप्शन क्लियर करे हैं ना और बच्चों के बीच में ट्रस्ट डेवलप करा है इस इस टाइम पीरियड में कि हाँ भाई आज बच्चा ये मानता है

मैं सोचा ऑनलाइन के बच्चे क्यों पीछे रह जाए ऑनलाइन के बच्चों को पीछे नहीं रहने देंगे माँ भी उनके साथ मेहनत करेंगे ऑनलाइन में भी आग लगाएंगे ठीक है सब कुछ मिलेगा लर्न विथ सुमित पहले थारा भाई सुमित सिर्फ पढ़ाता था आज के टाइम पे रिवोल्यूशन लाने की बात करते हैं देखना तुम ठीक है अरे रिवोल्यूशन लाएंगे आज और उस रिवोल्यूशन की शुरुआत हो रही है आज फाइव थर्टी मैथमेटिक्स से इतना ज्यादा लाइक और शेयर करना है इतना ज्यादा लाइक और शेयर करना है कदा किसी ने सोची ना होगी ठीक <laughs> है बताओ जी फटाफट बताओ पुड़ा 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 पुड़ा। बच्चे ये और जो होते हैं ना ये होते हैं एग्जोस्फेयर में बाकी ये तीनों ठीक है बाकी ये तीनों ठीक है कितने करे क्वेश्चंस बताओ थाम ले चलो ये आखिरी कर लो चलो मैंने पढ़ाया था क्रोलिस फोर्स में पढ़ाया था आपको मैंने अगर आपको याद हो तो क्रोलिस फोर्स में पढ़ाया था इसको मैंने बाबू अरे हम बोल रहे ना सब मोज लो मोज आज इतना ही करें क्वेश्चंस तो बहुत करा दिए आज वैसे मैंने क्वेश्चंस तो बहुत करा दिए इस पूरे की पीडीएफ में दे दूंगा उसकी टेंशन ना ही लो ये तो हमारी क्लास आ गई ये लो जी अभी से तीन बच्चे वेटिंग हो गए अरे चार सौ बावन कम से कम पांच सौ हजार लाइक तो करो मैं बोल रहा हूँ कम से कम पांच सौ हजार लाइक तो करो पहले मोटिवेशन डाउन करके रखोगे क्या है जी और ये वन सेवेंटी फ़ोर हो गए हैं इसको आज वन सेवेंटी फाइव पहुँचा दोगे तो मौजी हो जाएगी अगर 175 सेवेंटी फाइव हो जाएगा तो एक और रीजन हो जाएगा, सेलिब्रेशन का नहीं अच्छा बेहतरीन और दो लाख पे तो कुछ बेहतरीन सा सगी रखना ही है तो जी अभी इंग्लिश की क्लास भी होगी आपकी अभी दस मिनट बाद इंग्लिश की क्लास है वो तो होगी होगी उसके बाद साढ़े पांच बजे मैथमेटिक्स की भी होगी हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे मुझे आपसे एक वादा चाहिए ऐसा सुन दो चलो जितने बच्चे भी बचे हुए हैं सारे ध्यान से सुनो ओए एक बार जितने बच्चे हैं एक बार सुनो ध्यान से देखो जी हम लोग दमखम से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए सब कुछ न्योछावर है नींद खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा है और अकेला नहीं पूरी टीम अब तो मैथ्स में भी आग लगाएंगे ठीक है पूरी टीम दमखम से मेहनत कर रही है आपसे मुझे एक वादा चाहिए कि जब ये पूरा सेशन खत्म होगा तब आपके दिमाग से कहीं पे भी या मतलब दिल से कभी कहीं से भी ये बात ना निकल जाए कि यार अगर मैं थोड़ा सा ये और कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता यानी कि यू हैव टू गिव योर हंड्रेड परसेंट और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं बच्चे एनडीए का पेपर इतना मुश्किल नहीं है कि आप अपना हंड्रेड परसेंट दो सिलेक्शन ना अरे सिलेक्शन तो होगा ठोक बजा के होगा और जितने भी लोग आज तुम पे डाउट करते हैं ना कि पता नहीं कैसा पढ़ता है या पढ़ती है या पता नहीं टाइम पास करता रहता है मोबाइल में टाइम पास करता है फिर मैं बता रहा हूं सबके मुंह पे ताले लग जाएंगे कैसे जब आपका सिलेक्शन निकलेगा और उसकी पहली सीडी है आपका रिटर्न रिटर्न एग्जामिनेशन में दम खम से हम लगे हुए हैं मैं बता रहा हूं जितनी मेहनत आज के टाइम पे मैं और मेरी पूरी टीम कर रही है ना अगर इतनी मेहनत का आप फिफ्टी भी कर लोगे ना तो यू वुड बी अमंग द टॉप पर्सन एनडी बता रहा हूँ ठीक है तो चाचा जी आग लगाने के लिए हम तो तैयार हैं आप भी तैयार रहने चाहिए किसी भी तरीके से आपकी मेहनत में कमी ना रह जाए आप अपने आप को यह जवाब दे पाओ कि यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया था फिर भी किस्मत तो कुछ और मंजूर था तो मैं क्या कर सकता हूं लेकिन मैंने कहीं एक परसेंट भी कमी नहीं छोड़ी थी यह आवाज आपके अंदर से कॉन्टिन्यूसली आनी चाहिए ठीक है सब लोग एक बार जोश के साथ बोल दो जय हिंद बोलो फटाक से एक बार बोलो, जय हिंद का नारा जाए आज, आज और आज शाम को इस वाली क्लास में जय हिंद का नारा इतना गुंज जाना चाहिए कि टीचर को भी लगेगा जो टीचर क्लास ले रहा है उसको भी ऐसा लगे कि हाँ भाई इन बच्चों में जोश है इन बच्चों में आग है अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे ना टीचर दो कदम आगे बढ़ाएगा भाई साहब आप मेहनत करो मैं बता रहा हूं आप 100% दोगे तो हंड्रेड परसेंट दो 99 मिनट 100 मतलब 100, यहाँ पे हम आपके साथ बैठे हुए हैं आपके लिए सब कुछ तत्पर मतलब बेहतरीन तरीके से काम करेंगे कुछ शिकायत का मौका नहीं रहेगा लेकिन कुछ शिकायत का मौका आप भी ना दो ठीक है चलो अभी चार बजे इंग्लिश की क्लास में आना और शाम में यहाँ पे तो आज आग लगानी लगानी ठीक है।, है मिलते हैं आप सब लोगों से बच्चे जय हिंद जय भारत इंग्लिश की एमसीबी क्लास में आपका स्वागत है अभी पांच मिनट बाद बाय टेक केयर लव यू ऑल